सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुस्कुराते चेहरे किसी सपने से हैं, इनको आँखों से उतरने ना दो। बहुत सुकून है किसी को हंसाने में, कोई हर्ज नहीं थोड़ी इंसानियत दिखाने में। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा है बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। आज का पंचांग 10 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, दोपहर 1:48 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र शाम 5:42 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:40 से 10:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी पूरे दिन रात, और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 10 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा, बहुत सारे काम कतार में हैं। हालांकि आप अपनी तरफ से उन सब कामों को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी संभावना यही है कि सब काम पूरे नहीं हो पाएंगे और आपको इस कारण तनाव होगा। काम पूरे करने में और किसी की सहायता लेने से ना हिचकिचाएं, नहीं तो आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगी। इस राशि वालों को आज व्यापारिक कार्यों में तेजी की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से आप अपनी व्यापारिक प्रोजेक्ट को लेकर काफी जोश में भी रहेंगी। काम धंधे के समय व्यापारिक तेजी की वजह से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजली एवं ऊर्जा से जुड़े कार्यों में व्यापारिक अच्छा कारोबार करेंगी। व्यापारिक पेमेंट का आवागमन तो ठीक ठाक बना रहेगा, लेकिन हाथ में पैसा रुकता हुआ नहीं देखा जाएगा। नौकरी पेशा वर्ग की जातकों पर आज ऑफिस में काम को लेकर सख्ती देखी जाएगी। घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेगी। किसी बुजुर्ग की मदद से कई दिनों से चली आ रही लेन देन की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है। लव लाइफ में सुकून प्राप्त होगा और आपसे लव लाइफ में खुशियां दस्तक देगी। संध्या काल के समय किसी झगड़े विवाद में ना पड़े और परिवार के साथ समय व्यतीत करें। आज के दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़े आज के दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़ने के लिए भी रहेगा। आप मनोरंजन के कार्यक्रम में भी पूरी रुचि दिखाएंगे और कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता के अनुसार काम मिलने का आप पूरा लाभ उठाएंगे। सावधानियां, आप अपनी बुद्धि और विवेक से कुछ मामलों को निपटाए तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय कर रहे लोग किसी पर भरोसा करने से बचें, नहीं तो वह उसे तोड़ सकता है। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और आप अपनी मित्रों के साथ कुछ समय उनकी समस्याओं को सुनने में व्यतीत करेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका साथी आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये समय अपने कृतज्ञों से उन्हें संतुष्ट करने का है। आप घर जल्दी आएं और हो सके तो अपनी साथी के लिए खाना बनाएं। अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को ये दर्शाएं कि प्यार आपकी नस नस में है, आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर हैं तो दूरभाष के द्वारा उससे संपर्क साध सकते हैं। अगर आप अपने साथी से दूर हैं तो दूरभाष के द्वारा उनसे संपर्क साध सकते हैं। बात करते हैं करियर की। यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कंपनी से इसकी जांच करें। आपको नौकरी से संबंध में आपको नौकरी के संबंध में एक अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी आपको आज मिल सकती है, या निवेश की किसी भी प्रकार के लिए एक शुभ दिन है। अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं तो आज का दिन सौदे के लिए अनुकूल है। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत पर कुछ कम ध्यान दे पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी अतिरिक्त देखभाल करें।
अगर आप अपनी सेहत के मामलों में लापरवाही करेंगे तो आपको बुखार या दूसरी छोटी मोटी तकलीफें हो सकती है। अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपने दिल के राज बता सकते हैं, इससे आपको मानसिक रूप से काफी राहत मिलेगी। अगर जरूरत हो तो अपनी मानसिक स्थिति और जीवन शैली भी बदलें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को तेल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।